बीच बड़ी खबर, जहां यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। आरपीएन सिंह ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आरपीएन सिंह, ये सूत्र कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपना इस्तीफा ट्विटर पर पोस्ट करते हुए आरपीएन सिंह ने लिखा, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी को भी संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे में लिखा, मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देता हूं। देश, लोग और पार्टी की सेवा करने की का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले उन्होंने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम भी हटा दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस प्रभारी रहे हैं। वहीं अब यह इस्तीफा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ अनूप कुमार सिंह हैं लखनऊ से और हमारे साथ स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्पर्श के पास चलते हैं दिल्ली से। स्पर्श, जिस तरह से आरपीएन सिंह ने बकायदा रेजिग्नेशन लेटर लिखा, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पब्लिकली कर दिया और थैंक्स भी लिखा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक कांग्रेस ने उन्हें दी थी उससे अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या जरूरत है अब कांग्रेस को मंथन करने की, जिस तरह से युवा वर्ग लगातार इस्तीफा दे रहा है? देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका ये लगा है। आरपीएन सिंह ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है, पिछले कई समय से लगातार ये सुगबुगाहटें थी कि आरपीएन सिंह जो कांग्रेस है वो छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। 2:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह शामिल भी होंगे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों यानी कल ही जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी उसमें आरपीएन सिंह का नाम भी जो है शामिल था। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको पता ही नहीं था कि इतने बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। अब इसको हम देखें कि किस तरीके से पिछले लगातार कुछ दिनों से, चाहे वो जितिन प्रसाद की बात की जाए, आरपीएन सिंह की बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, जो युवा टीम कही जाती थी राहुल गांधी की, वो तमाम जो चेहरे हैं वो अब कांग्रेस को छोड़कर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस की परिस्थितियां किस तरीके से है और निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ा झटका जो है अब कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, स्पर्श हमें जानकारी दे रहे हैं। और हमारे साथ अनूप कुमार सिंह भी जुड़े हैं लखनऊ से। अनूप, जिस तरह से बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, उन्होंने भी अभी हाल ही में पार्टी बदली है और ऐसे में अब उम्मीदें ये हैं कि जिस तरह से आरपीएन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं तो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से जितिन प्रसाद के बाद अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं आरपीएन सिंह, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा जिस उद्देश्य से अपने आगे बढ़ रही है, जिस उद्देश्य से लगातार कांग्रेस की बात कर रही है, तमाम पार्टियों को तोड़ने काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे क्योंकि जो आरपीएन सिंह है एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक की सूची में है, पलरौना राजघराने से आते हैं। 2009 में पलरौना विधानसभा से लोकसभा सांसद भी हुए थे। UPA2 की सरकार में परिवहन, सड़क, पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के जो करीबी में से एक आरपीएन सिंह जो रहे हैं अभी तक, आज कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। अब 2:30 बजे के आसपास भाजपा के हेडक्वार्टर में दिल्ली में बुलाया गया है, उसमें जिस तरीके से आरपीएन सिंह पहुंचने की उम्मीद है और भाजपा में शामिल होने की जो उम्मीद है, कहीं ना कहीं वो अब
लगातार जिस तरीके से जारी है। हालांकि पिछले कई दिनों से चर्चा में चर्चा का विषय था कि आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उच्च चर्चाओं पर विराम लग चुका है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव के देखते हुए, अब ऐसे में कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्टार प्रचारक की सूची में हो, जिसका इतना जनाधार हो और राहुल गांधी का करीबी हो, ऐसे अगर व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अध्ययन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए क्या वजह है, कहां कमियां हैं, क्यों नेता लगातार टूटते जा रहे हैं, जनाधार क्यों कमजोर हो रहा है। अब इस पर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को या फिर और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि लगातार जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो टूट रहे हैं। तो क्यों टूट रहे हैं, आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारे साथ स्पर्श शर्मा दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह से बात करें, प्रियंका गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं और ऐसे में राहुल गांधी की टीम के लगातार जो लोग हैं वो अब एक के बाद एक दल बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी दिखाई देंगी इस चुनाव में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और आरपीएन सिंह के बारे में भी अगर हम जानकारी दें, पिछले लगभग 6 महीने 1 साल से लगातार ऐसी चर्चाएं थी कि आरपीएन सिंह कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हर बार खंडन जो है आरपीएन सिंह की तरफ से जो है इन तमाम चर्चाओं को लेकर किया जाता था। लेकिन पिछले 1-2 दिन से लगातार जो है किसी भी प्रकार का खंडन नहीं आ रहा था, फोन भी आरपीएन सिंह नहीं उठा रहे थे, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है आरपीएन सिंह की जो बातचीत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही थी। अब आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है पार्टी में सेट करेगी, क्या उनको चुनाव लड़ाया जाता है या फिर किसी अन्य भूमिका में जो है उनको दिया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका जो है इस तौर पर भी कहा जा सकता है क्योंकि जो कुछ बड़े चेहरे हैं वही पार्टी में जो है लगातार बने हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो भी लगातार एक एक करके अगर पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे एन चुनाव से पहले, तो कांग्रेस जहां महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस जहां युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है युवा मैनिफेस्टो बनाकर, लेकिन अगर युवा चेहरे ही छोड़कर जाते हुए नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो चुनावी डगर है वो कांग्रेस के लिए काफी कठिन साबित होने वाली है। आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें 2009 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ स्थितियां लग रही हैं कि पार्टी क्या कुछ जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है उन्हें? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से कयास चल रहे थे या फिर अंदाजा लगाया जा सकता है या चर्चाओं में थे, तो इसका निश्चित इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि आरपीएन सिंह और भारतीय जनता पार्टी में बार्गेनिंग हो रही थी, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है जिस तरीके से चर्चा में थे, उसके बाद आरपीएन सिंह को अचानक इस्तीफा देना और भाजपा में जाना, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी। अब पार्टी उनको किस तरीके से देखती है, क्या लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जिम्मेदारी देती है या उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी कहीं मजबूत करेगी, ये तमाम चीजें हैं। अभी कयास हालांकि लगाए जा रहे हैं इस पर, भाजपा कब मुहर लगाएगी, क्या आरपीएन सिंह के कितनी दावेदारी है, क्योंकि कांग्रेस को आरपीएन सिंह को छोड़ना कहीं ना कहीं एक किला फतेह करना ये माना जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2019 के बाद एक राजघराने पलरोना राजघराने से आते हैं, तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश है, भाजपा के लिए एक राह आसान हो गई है कहीं ना कहीं, और भाजपा का एक लंबा फायदा होने वाला है। भाजपा का लंबा फायदा होने वाला है और भाजपा जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, एक कयास लगाए जा सकते हैं कि पूरी तरह से धरातल में कांग्रेस को खत्म करने की रणनीति तैयार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। और